ऋषि मुनियों की जन्मस्थली कुटिया, तो हम पूरे देश और दुनिया को दिखाना चाहते हैं। दूसरा, अयोध्या का एक बड़ा स्वरूप खड़ा करना चाहते हैं, और उस पर जब पूरी देश और दुनिया घूमेगी तो गांव के लोगों को भी रोजगार मिलेगा। दो उद्देश्य, और 84 कृषि पार्क सैंक्शन हो गया 8,000 करोड़ रुपया जी, और चुनाव के बाद शुरू हो जाएगा। तो मतलब आप मोटे तौर पर उसी को लेकर हम अयोध्या पर्व दिल्ली में करते थे। मोटे तौर पर लल्लू सिंह जी मुकाबला नहीं मान, पूरे देश में किसी का मुकाबला नहीं बीजेपी। मायावती ने ब्राह्मण चेहरा खड़ा किया है। हमने कह दिया कि जातिवाद का कोई असर नहीं है जाति का, समझे ना, और चाहे जो चेहरा खड़ा करे। सारे ब्राह्मण यहाँ हमारे साथ बैठे हैं, तो मायावती खड़ा करने से ब्राह्मण चला जाएगा। ब्राह्मण था ये, कहते आप कह दिए। जम्मू कश्मीर से 370-35 से धारा समाप्त करके देश का अभिनंग बनाया जी। तो कुल मिला करके मोदी जी इस देश के विकास उत्थान और दुनिया में भारत का सम्मान भी 10 सालों में बढ़ाने। कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने राम मंदिर बनवाया है, पर अवधेश प्रसाद जो है आपके सामने खड़े हैं समाजवादी पार्टी से, वो भी पुराने नेता आपके मित्र भी होंगे, तो उन्होंने ये कहा कि भाई ये तो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था, इसमें बीजेपी क्यों क्रेडिट ले रही है, हम होते तो हम भी मंदिर बनवा देते। हल्की बात करते। रामनगरी अयोध्या है और वक्त है कैंपेनिंग का। हमारे साथ मौजूद है बीजेपी के कैंडिडेट लल्लू सिंह जी, जो यहाँ से एमपी भी हैं, 14 भी जीते, फिर 19 जीते, अब बारी 24 की है। लल्लू जी बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। कितनी तैयारी है इस बार? भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जी, संगठन सब मिल करके गांव-गांव कैंपेनिंग कर रहे हैं जी, सबको बता रहे हैं कि मोदी जी ने इस देश आम आदमी के लिए क्या किया, देश का सम्मान कैसे बढ़ेगा, तो सब बताने का काम कर रहे हैं जी। और आम आदमी जानता भी है कि 60 सालों तक इस देश में कांग्रेस की सरकार थी, समाजवादी पार्टी की मिलीजुली सरकार थी, किसी ने गरीब की चिंता नहीं। मोदी जी जब आए जी, तो उन्होंने आम आदमी की चिंता की है, ये आम आदमी जानता है, और पूरे देश में विकास के काम किए। आप लोग मानते हैं राम मंदिर जो हुआ, प्राण प्रतिष्ठा होती, प्रधानमंत्री आते हैं, राम मंदिर बन जाने से ये चुनाव बीजेपी के लिए क्या बेहद आसान है, एक तरफा है, या टक्कर मान लेना? ऐसा है कि क्योंकि 500 सालों से राम मंदिर के लिए संघर्ष चल रहा है, कई पीढ़ियां संघर्ष करते समाप्त हो गई। बिल्कुल जी, समझे आप जी। और उस मंदिर को बनवाने का काम मोदी जी ने किया, तो स्वाभाविक रूप से मोदी जी ने गरीब कल्याण की योजना को भी चलाया, पूरे देश में विकास का भी काम किया। जम्मू कश्मीर से 370-35 धारा समाप्त करके देश का अभिनंग बनाया जी। तो कुल मिला करके मोदी जी इस देश के विकास उत्थान और दुनिया में भारत का सम्मान भी 10 सालों में बढ़ाने। कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने राम मंदिर बनवाया है, पर अवधेश प्रसाद जो है आपके सामने खड़े हैं समाजवादी पार्टी से, वो भी पुराने नेता आपके मित्र भी होंगे, तो उन्होंने कहा कि भाई ये तो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था, इसमें बीजेपी क्यों क्रेडिट ले रही है, हम होते तो हम ही मंदिर बनवा देते। वो हल्की बात करते हैं। यहाँ पर 2005 में जी हैंड ग्रेनेड राम मंदिर पे भेजा गया, फेंका गया, स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव की सरकार थी, और उस सरकार में अवधेश प्रसाद भी कैबिनेट मंत्री थे। एक भी सरकार का प्रतिनिधि नहीं आया, समाजवादी पार्टी का कोई नेता नहीं गया, इस डर से कि हमको अल्पसंख्यक का वोट नहीं मिलेगा, हम चले जाए, समझे। ये लोग तो जातिगत आधार पर और धर्म के आधार पर, सांप्रदायिकता के आधार पर इस देश में राजनीति करते हैं, देश के हित में तो काम करते नहीं लोग, और सत्ता पाने के बाद उसको उसका भोग करते हैं। ये भी उनके आरोप है कि भाई यहाँ बड़ी समस्या व्यापारियों को, ये बुलडोजर जिस तरह से चला है, चाहे चौड़ीकरण के बहाने, चौड़ीकरण से विकास हुआ है, लेकिन कई व्यापारी हैं वो नाराज भी हैं इसको लेकर। ऐसा है कि नाराज कोई नहीं, स्वाभाविक रूप से जब किसी का 50 साल से रहता तो अगर उसका दुकान टूटती है, घर टूटता, तो उसको कष्ट होता, उनको मुआवजा मिला, उनको दुकानें मिली, जिनका आवास गया आवास मिला। अगर जमीन आपकी नहीं है जी, आपके नाम नहीं है,
तो जमीन का पैसा कैसे आपको मिल जाए। अब चूंकि जो 100 साल से रह रहा है उसको ये लगता है कि जमीन का भी पैसा में और खेतौनी में नाम जिसका है उसको मिलेगा कि जो रह रहा है उसको मिलेगा। तो ये जो छोटी छोटी बातें हैं ना, लोग भड़काने का काम करते हैं। जैसे हमारे जो भाई विरोध में प्रत्याशी हैं वो जाति की आज बात कर रहे हैं। अपने जात के लिए उन्होंने किया क्या? जात पहली बात तो जाति की बात वोट के लिए करना नहीं चाहिए। यह देश का चुनाव है, देश के लिए चुनाव है, एक जात से कुछ होना नहीं है। लेकिन 26% दलित है अयोध्या में, तो आपको लगता है अवधेश प्रसाद के आने से क्या चुनाव आप मानते हैं टक्कर है या नहीं? कोई टक्कर वक्कर नहीं है। और मोदी जी 2014 से आए हैं, जब से ये जाति पात ये सब सब टूटा है, सभी जातियों का वोट भारतीय जनता पार्टी को मिल रहा। अवधेश जी कह रहे हैं तरफा चुनाव है। अच्छा क्या बोलेंगे कि तरफा नहीं है? जो विपक्ष में तो बोलेगा। अच्छा है? कौन से गांव में इस वक्त हम हैं? तस्वीरें दिखाइए, कार्यकर्ता यहां पर हैं और जो गांव के लोग हैं वहां हैं। कौन से गांव है? रघुपुर गांव है। क्या कह रहे हैं लोगों से आप जाकर यहाँ कैंपेनिंग करते वक्त? हमने इसीलिए कहा कि आपके साथ ही कैंपेनिंग में आ जाते हैं। हम इनसे बात कर रहे हैं जी, हम इनसे पूछ रहे हैं कि 60 सालों तक अगर सरकार थी कांग्रेस की समाजवादी पार्टी की, तो उसने आवास क्यों नहीं बनवाया? उसने शौचालय क्यों नहीं बनवाया? उसने बिजली क्यों नहीं लगवाई? उसने गैस कनेक्शन क्यों नहीं दिया? उसने किसान सम्मान निधि क्यों नहीं दिया? आयुष्मान कार्ड क्यों नहीं बनवाया? ये काम किसका था? ये खाली मोदी का था, तो मोदी ने किया तो उसका लाभ भी तो मोदी को मिलना चाहिए। बोलिए यही हम चेहरा कौन है अयोध्या में प्रधानमंत्री मोदी के नाम पर चुनाव है? नहीं देखिए, नेता मोदी है तो उनके नाम तो चलेगा ही, समझे। हम लोग तो सिपाही हैं, सेवक है, समझे कि नहीं यार। मोदी के ही मार्गदर्शन में चाहे योगी हो, चाहे हम हो, चाहे जो सारे लोग काम कर रहे हैं। कानून व्यवस्था की हालत जो इस प्रदेश में थी योगी के आने के बाद ही तो ठीक हुई है, समझे कि नहीं यार। या समाजवादी पार्टी की सरकार 17 तक मोदी जो योजना लागू करते थे उस नीचे तक नहीं पहुंचने देते थे, जब योगी जी आए तब तेजी के साथ नीचे पहुंची। अयोध्या का विकास किसने किया, योगी जी ने मोदी जी ने? देखिए अयोध्या का विकास तो हम सिपाही पत्रकार हैं, हम भी फंसाएंगे। हम सिपाही हैं तो हमारा काम है कि अयोध्या का जो विकास होना उसका प्रस्ताव देना है जी, सब करना तो हम करते रहे। लेकिन मोदी की सरकार अगर ना होती जी तो हम कर पाते? हम सांसद होने के बाद भी हम कर पाते? तो मोदी जी की सरकार थी इसलिए हमने अयोध्या का विकास। चलो फोटो तो खींच रहे हैं भैया, अपलोड होगा, चलेगा, टीवी पे देखिएगा आप लोग। तो क्या कहेंगे, आखिरी सवाल भी मेरा, आप कैंपेनिंग में अपने हैं, क्या मैसेज है आपका अयोध्या वासियों के लिए? जैसे मोदी जी की सोच है कि अयोध्या को दुनिया का सबसे सुंदर स्थान बनाना जी, अब उसमें जो भी जो योजनाएं पर हमको लगती हैं कि अयोध्या के विकास के लिए उचित है, मोदी जी के प्रतिनिधि होने के नाते, यहाँ का प्रतिनिधि होने के नाते हमारी जिम्मेदारी है कि हम उसको वहाँ प्रस्ताव दें, प्रयास करें। जैसे 84 कोसी परिक्रमा तो हम 15 में हमारे दिमाग में आया, हम 3-4 हमारे मित्र पत्रकार हैं उनसे हमने कहा 6 महीना वो लोग घूमे 84 कोसी पर, जितने पौराणिक धार्मिक स्थल हैं, ऋषि मुनियों की जन्मस्थली कुटिया, तो हम पूरे देश और दुनिया को दिखाना चाहते। दूसरा अयोध्या का एक बड़ा स्वरूप खड़ा करना चाहते और उस पर जब पूरी देश और दुनिया घूमेगी तो गांव के लोगों को भी रोजगार मिलेगा। दो उद्देश्य था और 84 कोसी पार सैंक्शन हो गया 8,000 करोड़ रुपया जी, और चुनाव के बाद शुरू हो जाएगा। उसी तो मतलब आप मोटे तौर पर उसी को लेकर हम अयोध्या पर्व दिल्ली में करते थे। मोटे तौर पर लल्लू सिंह जी मुकाबला नहीं मानते, पूरे देश में किसी का मुकाबला नहीं बीजेपी, मायावती ने ब्राह्मण चेहरा खड़ा किया। हमने कह दिया कि जातिवाद का कोई असर नहीं है जाति का, समझे ना, और चाहे जो चेहरा खड़ा करे, सारे ब्राह्मण यहाँ हमारे साथ बैठे हैं, तो मायावती खड़ा करने से ब्राह्मण चला जाएगा, ब्राह्मण साथ ये कह दिया, आप कह दिए अनुसूचित कोई खड़ा हो जाएगा तो अनुसूचित चला जाएगा।